ललितपुर के मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले कि ललितपुर व मेहरौनी सीट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली के दौरान ललितपुर जिले के मेहरौनी में केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। मेहरौनी जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल राशन देने का काम कर रही है, घरों में शौचालय, बिजली कनेक्शन, सिलेंडर दिए। कहा कि पहले गुंडागर्दी, अराजकता, संपत्तियों पर कब्जा, लूट, अवैध खनन, हत्या, अपराध से यूपी का माहौल खराब रहता था, अब गुंडे जेल में हैं। उन्होंने कहा कि कमल का बटन दबाकर सांपनाथ, नागनाथ और नेवलानाथ को उखाड़कर फेंकना है। साथ ही ललितपुर व मेहरौनी सीट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय में 300 से ज्यादा सीटें भाजपा फिर जीत रही है। 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के खोजेंगे तभी पता नहीं चलेगा। जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको हटा चुकी है और जनता भाजपा को अपना चुकी है। लगातार 3 चुनाव जीते हैं और 4th चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ। यादव ने कहा कि प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी सन्न हो गई, दूसरे में सुन्न हो गई और तीसरे में शून्य हो जाएगी। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कन्नौज की सभा में जो पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे, इतना अस्तरहीन बयान उन्होंने दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जो पुलिस गुंडों को ठीक करने का काम कर रही है और गुंडे समाजवादी पार्टी जुड़े हैं तो उनका दर्द मुंह में आ गया। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, गुंडों को जो सेवा जारी है ना मार्च 2019 से 2017 से, वह सेवा 10 मार्च 22 के बाद भी जारी है। एक लोबी आपको मुख्यमंत्री, एक लोबी आपको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहिए क्या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में? चिंता मत करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, योगी जी।